कानपुर नगर के रेलवे ग्राउंड में आयोजित जनसभा में भाजपा नेता पीयूष गोयल ने प्रदेश के सभी जिलों से आए व्यापारी एवं वैश्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था के नवरत्न और रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सहयोग और प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था ठीक होने के साथ ही देश तेज गति से प्रगति कर रहा है, देश में उत्साह है और देश आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान व्यापारियों के सहयोग से ही लोगों के घरों तक अनाज और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा सके, जिससे एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के कारण देश के लोगों को सुरक्षित रखने में हम कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त है, यहां कानून व्यवस्था का राज है, प्रदेश में उद्योग व्यापार तेज गति से प्रगति कर रहा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर सरकार के प्रयासों से बनकर तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश अगर आज भयमुक्त है, अगर उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था है, अगर उत्तर प्रदेश में आज उद्योग और व्यापार तेज गति से प्रगति कर रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में आज राम मंदिर का काम पूरी तरीके से निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है, बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर का जो पुनर्वास हुआ है, ये सब के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश आगे भी तेज गति से प्रगति करते रहेगा।